हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। मैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही बढ़िया ओपनिंग। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगेंस्ट कैरोकान डिफेंस में स्पास्की गैम्बिट मैंने पूरी आपको तैयार करवा दी थी। आज मैं आपको बताऊंगा एक बेस्ट ओपनिंग जो वर्ल्ड फेमस ओपनिंग है, सभी लोग उसका नाम जानते हैं, जिसका नाम है सिसिलियन डिफेंस। सिसिलियन डिफेंस के अगेंस्ट एक साइबेरियन अटैक है, साइबेरियन ट्रैप है, बहुत ही बढ़िया है। वाइट की ओर से आप अच्छी तरह से उसमें अटैक करके खेल सकते हो, बहुत ही ब्रिलियंट है। ध्यान से देखिए मूव बाय मूव, इसमें एक मिस्टेक भी होती है वाइट से, तो वाइट लॉस हो जाता है। वो मिस्टेक पहले मैं आपको बताऊंगा। e4, जैसे कि यहाँ पे e4, c5, d4, ये है मोरा गैम्बिट लाइन। मोरा गैम्बिट में साइबेरियन ट्रैप, पॉन टेक्स, देन c3, पॉन टेक्स पॉन, नाइट c3। यहाँ पे वाइट एक पॉन सेक्रीफाइस करता है और अपने पीसेस जल्दी अटैक के लिए डेवलप करता है। नाइट सी सिक्स, देन नाइट f3। ध्यान रखिए नाइट सी सिक्स जब भी ब्लैक सिसिलियन में खेलता है, तुरंत नाइट f3 करके आपको ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल करने हैं, d4 और e5। e6, देन बिशप c4, ये सिसिलियन मोरा गैम्बिट का परफेक्ट जो बेस्ट स्ट्रक्चर होता है। क्वीन c7, यहाँ से क्वीन c7 की लाइन में ही साइबेरियन अटैक होता है। क्वीन e2 और नाइट f6, देन कैसल। अब कैसल जो हुआ है व्हाइट की ओर से, ये सबसे ब्लंडर मूव है। कैसल सबसे ब्लंडर है, क्यों? अब यहां पे मैं आगे बताता हूं आपको। नाइट g4 और यहां h3, उससे भी बहुत बड़ी मिस्टेक। तुरंत ब्लैक विन द गेम। नाइट d4, अगर आप नाइट टेक्स नाइट लेते हो तो यहां सिंपल क्वीन h2 मेट हो रही है। कहीं भी क्वीन को मूव करते हैं तो नाइट टेक्स नाइट, देन पॉन टेक्स, देन क्वीन h2 मेट है। तो ये साइबेरियन ट्रैप में अगर आपने ये मिस्टेक कर दी कैसलिंग की, तो यहाँ पे आपको मैं मूव परफेक्ट बताऊंगा कि कैसल नहीं करना है। यहाँ पे आपको खेलना है e5। e5 के बाद नाइट g4, बिशप f4 एंड f6। अब f6 के बाद ब्लैक को लगता है कि ये सेंटर पोन उसे आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3 एंड 4 अटैक्स है और व्हाइट के 3 सपोर्ट है, चौथा सपोर्ट आ नहीं सकता। यहाँ पे ब्रिलियंट मूव है नाइट d5, साइबेरियन ट्रैप में तुरंत सेक्रीफाइस नाइट d5। अब इसके पास, ब्लैक के पास कितनी चॉइस है? 3 चॉइस है। सबसे पहले देखते बिशप b4 चेक। चेक वाले मूव में किंग f1 खेलना है, किंग को हटा देना है, भले ही आपका कैसल नहीं होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद पॉन टेक्स नाइट, अब यहाँ डिस्कवर चेक आ रहा है, ई टेक्स f6 चेक। अब बेस्ट मूव है नाइट g e5, आफ्टर नाइट टेक्स e5, नाइट टेक्स e5, देन पॉन टेक्स g7, रुक g8 और बिशप टेक्स d5। आफ्टर रुक टेक्स e7 सिंपल बिशप टेक्स e5, डिस्कवर चेक भी है और रुक और क्वीन दोनों पे डबल अटैक है, ब्रिलियंट पोजीशन आ जाती है आपकी। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, इसमें bb4 के जो ब्लैक की 3 चॉइस है, जिसमें फर्स्ट चॉइस मैंने बताई बिशप b4 चेक। सेकंड चॉइस देखते हैं bb4 के अलावा, जैसे कि क्वीन a5 चेक, क्वीन से भी चेक दे सकता है, किंग f1, पॉन टेक्स नाइट, देन पॉन टेक्स पॉन चेक, डिस्कवर्ड नाइट इंटरपोज नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 1, 2, 3 अटैक है और यहाँ ओनली 1 सपोर्ट है। अगर नाइट g e5 किया तो सिंपल नाइट टेक्स e5 और वैसे भी व्हाइट जीत जाएगा। किंग f7 ब्रिलियंट मूव है, यहाँ पे नाइट g5 चेक के बाद किंग f6 और उसके बाद क्वीन टेक्स g4। व्हाइट ब्लैक चाहेगा डिस्कवर्ड अटैक क्वीन पे d6, नेचुरल मूव है, कोई भी यही प्लेयर यही खेलेगा। यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मूव बताता हूँ, नाइट h7 चेक, आफ्टर रुक टेक्स h7, बिशप g5 चेक, देन किंग f7, क्वीन f3 चेक, किंग e8 एंड रुक चेक, बिशप इंटरपोज, देन बिशप टेक्स d5 और यहाँ से टोटली वाइट इज विनिंग। अब तीसरा वेरिएशन देखते हैं, क्वीन a5 चेक के अलावा ब्लैक नाइट d5 का रिप्लाई क्या दे सकता है? डायरेक्ट पॉन टेक्स d5,
डायरेक्ट पॉन टेक्स डिफाइन में पॉन टेक्स पॉन चेक, नाइट इंटरपोज, नाइट टेक्स नाइट, देन नाइट टेक्स नाइट, और यहां मैं एक सरप्राइज मूव बताऊंगा, क्वीन एच फाइव चेक जी सिक्स, देन एफ सेवन चेक, आफ्टर किंग टेक्स एफ सेवन, बिशप डी फाइव चेक, एंड देन क्वीन टेक्स ई फाइव, एंड क्लियर विनिंग विथ डबल अटैक ऑन क्वीन एंड रूक. आफ्टर क्वीन टेक्स क्वीन, सिंपल यू विल विन द एक्सचेंज और रूक. सो बिशप जी सेवन, तो आपको माइनर पीस प्लस हो जाओगे और ये गेम क्लियर विनिंग है, आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों. साइबेरियन ट्रैप में खेलने में बहुत मजा आएगा. अब हम देखते हैं एक नई ओपनिंग, और भी ओपनिंग है पर्क डिफेंस के सामने क्या खेलना है, हाउ टू कंट्रोल द पर्क. पर्क में बहुत सारे ट्रैप्स आते हैं. पर्क डिफेंस जी सिक्स वेरिएशन से शुरू होता है, जैसे कि ई फोर और ब्लैक प्लेस जी सिक्स, देन डी फोर सेंटर कंट्रोल, बिशप जी सेवन और डी सिक्स, दो ऑप्शन है. बहुत सारे लोग डी सिक्स पहले करते हैं, तो डी सिक्स के बाद आपको खेलना है नाइट सी थ्री, बिशप जी सेवन, एंड यहाँ नाइट एफ थ्री, सी सिक्स. सी सिक्स थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क वाली मूव है, इतनी सॉलिड मूव नहीं है ब्लैक की ओर से. इसका फायदा आपको लेना है तो बिशप ई थ्री पहले, आफ्टर नाइट डी सेवन. ये सभी पर्क के फेमस मूव है दोस्तों, कोई भी नया मूव नहीं है. लेकिन कहाँ से आपको शुरू करनी है गैम्बिट लाइन, ये मैं बताऊंगा. यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन डी टू. क्वीन डी टू, आइडिया बिहाइंड दिस मूव लॉन्ग कैसल और बिशप एच सिक्स इफ नाइट मूव एनीवेयर. तो क्वीन डी टू के बाद ब्लैक खेलेगा क्वीन सी सेवन, बिशप डी थ्री, और ये पर्क का परफेक्ट स्ट्रक्चर है. आपके पास दोनों साइड के कैसलिंग तैयार है. एन जी एफ सिक्स डेवलप, ये पर्क की पैटर्न है. और यहां आपको खेलना है बिशप एच सिक्स. नेचुरल मूव है कैसलिंग. कैसलिंग के बाद एच फोर. अब यहां पे एच फोर देन एच फाइव, ये डायरेक्ट आप सामने वाले के किंग साइड जल्दी अटैक करना चाहते हो तो ये जरूरी मूव है. अब यहां से दो मूव है, एक तो ब्लैक जब आप एच फोर खेलते हो तो बी फाइव खेलेगा, और उसके बाद एच फाइव के बाद ब्लैक के पास दो ऑप्शन है दोस्तों. एक तो या तो वो नाइट टेक्स एच फाइव कर ले, और या फिर काउंटर अटैक में बी फोर करे. अब दोनों ही ऑप्शन में व्हाइट से कैसे जीता जाएगा ये मैं बताऊंगा. तो पहले ये पर्क के मेन मूव देख लीजिए. ई फोर जी सिक्स, डी फोर डी सिक्स, देन नाइट सी थ्री, बिशप जी सेवन, नाइट एफ थ्री, सी सिक्स, बिशप ई थ्री, एन डी सेवन, क्वीन डी टू, क्वीन सी सेवन और बिशप डी थ्री. इतना स्ट्रक्चर आपको व्हाइट से बना के रख देना है. दोनों बिशप आपके थर्ड रैंक पे है, दोनों नाइट भी थर्ड रैंक पे है. ये स्ट्रक्चर एकदम ईजी है समझने में, और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको इसमें तैयारी करने के लिए. नाइट एफ सिक्स, ये भी उसकी मेन मूव है. यहाँ पे बिशप एच सिक्स, देन कैसल और एच फोर, ब्लैक काउंटर अटैक और एच फाइव. अब यहाँ पे ब्लैक के पास दो चॉइस है, दोनों चॉइस हम देख लेंगे. अगर ब्लैक नाइट टेक्स एच फाइव करता है तो यहाँ पे आपको एक सरप्राइज मूव है, रुक सैक्रिफाइस, रुक एच फाइव, आफ्टर जी टेक्स एच फाइव, क्वीन जी फाइव एंड अनस्टॉपेबल चेक. तो जी टेक्स एच फाइव पॉसिबल नहीं है. अब दूसरी लाइन देखते हैं, काउंटर अटैक. जब आप एच फाइव करते हो तो ब्लैक उसे मारने के बजाय काउंटर आपके ही नाइट पे अटैक करता है. तो यहां पे एक बेस्ट चॉइस है पॉन टेक्स पॉन, एच क्रॉस जी थ्री, एच क्रॉस जी सिक्स के बाद बी क्रॉस सी थ्री, आपके नाइट पे, नाइट को मार के सॉरी क्वीन पे अटैक. उसके बाद जी एच सेवन चेक. अब ब्लैक के पास दो चॉइस है, किंग एच एट और नाइट क्रॉस एच सेवन. तो पहले देखते हैं किंग एच एट अगर ब्लैक खेलता है तो क्या करना है आपको. बिशप टेक्स जी सेवन चेक, क्वीन टेक्स जी सेवन, देन
एच एट क्वीन आफ्टर रुक टेक्स क्वीन एंड सिंपल क्वीन जी फाइव चेक एंड रुक चेक मेट। तो ये पोजीशन आती है अगर किंग एच एट जाता है तो। नाइट टेक्स एच सेवन देख लेते हैं। नाइट टेक्स एच सेवन में रिप्लाई देना है आपको बी टेक्स सी थ्री, एक सरप्राइज और वेटिंग हूं। ब्लैक खेलेगा एफ फाइव क्योंकि हम नेक्स्ट रेट में क्वीन जी फोर लाने वाले हैं। तो एफ फाइव में यहां पे बिशप टेक्स जी सेवन, किंग टेक्स जी सेवन, क्वीन एच सिक्स चेक, किंग एफ सेवन। यहां ध्यान रखना है किंग को रिमूव नहीं होना है यहां से, तो क्वीन एच फाइव किंग को भागने नहीं देना है और किंग एफ सिक्स। और ये पोजीशन मेरे हिसाब से क्लियर विनिंग है व्हाइट के लिए। तो दोस्तों ये थी पर्क की ट्रैप। पर्क डिफेंस में और भी ट्रैप है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे ई फोर डी सिक्स, कई लोग मूव ऑर्डर चेंज करके भी पर्क खेल सकते हैं डी सिक्स के बजाय। डी फोर नाइट एफ सिक्स, नाइट सी थ्री, हमें अपना स्ट्रक्चर याद रखना है ई सिक्स एफ फोर थ्री पोन अटैक अगर ब्लैक ई सिक्स करके खेलता है तो। एफ फोर में सॉरी ई सिक्स नहीं, यहाँ पे आता है सी सिक्स मेन मूव और यहाँ एफ फोर और क्वीन ए फाइव। क्वीन ए फाइव के बाद यहाँ पे आपको खेलना है क्वीन एफ थ्री क्योंकि ई फोर पे नाइट का प्रेशर है, नाइट क्वीन भी है। तो यहाँ ब्लैक रिप्लाई देगा डी फाइव और यहाँ आपको खेलना है ई फाइव, नाइट ई फोर, बिशप डी थ्री, नाइट टेक्स सी थ्री। ये व्हाइट के लिए है। नाइट टेक्स सी थ्री अगर ब्लैक करता है तो यहाँ सिंपल बिशप डी टू और इस पोजीशन से व्हाइट आसानी से गेम जीत जाएगा। तो ये नाइट मूव भी नहीं कर सकता, पेन भी होता है। अब ब्लैक, जैसे ब्लैक के लिए भी मैं बेस्ट मूव बताता हूँ यहाँ पे, तो ब्लैक के लिए बेस्ट मूव क्या होगी। नाइट टेक सी थ्री ब्लैक के लिए अच्छी नहीं है। ब्लैक को यहां खेलना चाहिए नाइट ए सिक्स। अब देखो व्हाइट एक पॉन सेक्रीफाइस करता है, बिशप टेक सी फोर, पॉन टेक सी फोर, क्वीन टेक ई फोर। यहां ब्लैक की फेवर में गेम आ जाती है। ध्यान रखिए इस पोजीशन में आप ब्लैक से भी खेल सकते हो, तो ये प्रिपेयर करके आप ब्लैक की ओर से भी खेल सकते हो। फिर से देख लेते हैं कि कैसे ब्लैक के फेवर में गेम आती है। क्वीन चेक और डी फाइव, बिशप डी थ्री के बाद ब्लैक को भी नाइट टेक सी थ्री नहीं करना है, नाइट ए सिक्स करना है। ये गलत मूव है और यहाँ पे नाइट ए सिक्स इज बेस्ट। अब एक पॉन सेक्रीफाइस आफ्टर बिशप टेक्स ई फोर, पॉन टेक्स, क्वीन टेक्स ई फोर। यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से आपकी गेम शुरू होती है ब्लैक की ओर से। तो आप वीडियो पॉज करके ब्लैक की ओर से बेस्ट मूव ढूंढिए, अभी कौन सी बेस्ट मूव होगी, कौन सी बेस्ट मूव होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वीन इस डायगोनल में सपोर्ट करता है, तो पहले हम खेलेंगे जी सिक्स। आइडिया बिहाइंड दिस मूव बिशप एफ फाइव। तो जी सिक्स के बाद व्हाइट पहले से ही अगर क्वीन ई टू कर देता है तब आएगा नाइट बी फोर और उसके बाद बिशप एफ फाइव। तो नाइट बी फोर में व्हाइट खेलेगा नाइट एफ थ्री देन बिशप एफ फाइव और यहां से कंप्लीटली ब्लैक इज विनिंग दिस गेम क्योंकि यहां पे कोई सपोर्ट नहीं आ रहा। दूसरा वेरिएशन देखते हैं, बिशप ई फोर के बजाय अगर व्हाइट ने सेक्रीफाइस एक्सेप्ट नहीं किया, उससे पहले व्हाइट ने खेला है नाइट ई टू, एनजी ई टू सॉरी, तो एनजी ई टू में भी आपको नाइट बी फोर करना है। अब व्हाइट पॉन सेक्रीफाइस एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि
अब हमारा जो g6 और बिशप f5 वाले थ्रेट नहीं आएगी, नाइट g3 से सपोर्ट कर देगा। तो यहाँ पे पॉन टेक्स और क्वीन टेक्स e4। अब इस पोजीशन में क्या करना चाहिए, g6 करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाइट g4 तो आने वाला है, नाइट g3 तो g6 का कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक f5, अब ये सरप्राइज मूव है, और उसके बाद सिंपल गेम विनिंग है, क्योंकि क्वीन इस लाइन को छोड़ के कहीं जा नहीं सकती। तो क्वीन को इधर लाएंगे तो नाइट फॉर्क आता है, और एन पास में ये पॉन को अगर कैप्चर करते हैं तो बिशप f5, और उसके बाद ब्लैक विल विन द गेम। तो दोस्तों ये थी पर्क डिफेंस की दोनों ट्रैप, और मैंने आज आपको पर्क और साइबेरियन अटैक के बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी ओपनिंग सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुजरात।